पहाड़ी जबान में अपडेट सुनिए। भारत की नाजी हुकूमत कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को दबाने के वास्ते मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जाबराना और जालमाना हथकंडे और इकदाम कर रही है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी इख्तलाफ को दबाने के वास्ते PSA और UAPA जैसे काले कवानीन का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। भारत कश्मीरियों की नज़रबंदी को लम्हा करने के वास्ते UAPA और PSA जैसे काले कवानीन का इस्तेमाल कर रहा है। PSA और UAPA जैसे कवानीन का इस्तेमाल कश्मीरियों को खौफजदा करने और जबर के जरिए अपनी गुलामी तस्लीम करने के वास्ते इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों कश्मीरियों को काले कानून के तहत भारतीय जेलों और अकूबतखाना के अंदर बंद रखा हुआ है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में अफेस्पा जैसे काले कानून के जरिए भारतीय फौज को कश्मीरियों के कतलेआम की खुलम खुली छूट दी गई है। भारतीय फौजी मावरा अदालत कतल कर रहे हैं जिन्हों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में सख्त कानून से बचाया जा रहा है और आलमी कानून की दजियां बिखेरी जा रही है। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमा सुन मकबूजा जम्मू कश्मीर में काले कवानीन के इस्तेमाल की सख्त अल्फाज मुजम्मत करद इसको रोकने के वास्ते आख्या, लेकिन भारत आलमी कवानीन की भी खिलाफवर्जी कर रहा है। बैन अलावा बरादरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में सख्त कवानीन को मनसूख करने के वास्ते भारत के उत्ते दबाव पाना चाहिए। कश्मीरी इंसाफ और अपने बुनियादी हकूक के वास्ते जदोजहद कर रहे हैं। दुनिया को भारत के कश्मीरियों के तमाम बुनियादी इंसानी हकूक बहाल करने का मुतालबा करना चाहिए। भारत पिछले 78 साल तनाजा कश्मीर के मुनसफाना हाल की राह सब से बड़ी रुकावट बनिया हुआ है। मोदी हुकूमत फौजी ताकत के जरिए कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के हसूल के वास्ते तहरीक को दबाने के नाकाम और नामुराद हो चुकिया है। 5 अगस्त 2019 मोदी के इकदाम जम्मू कश्मीर के मुतालिक अक्वामी मुत्तहिदा की करारदादा की बांधे तौर के उत्ते खिलाफवर्जी है। कश्मीरी अवाम को यह हक हासिल है कि वह अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तनाजा कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करन और भारत की हरदर्मी की वजह से जनूबी एशिया बिलअमूम और आलमी सतह के उत्ते बिलखसूस अमन खतरे दे विच है। जनूबी एशिया विच पायदार अमन दे वास्ते तनाजा कश्मीर दे हल विच आलमी बरादरी दी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुनसिफाना तौर दे उत्ते और कश्मीरियों दी ख्वाहिशात दे मुताबिक तनाजा कश्मीर दे हल विच मदद करन।